ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ ਚ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਚ ਹੋਇਆ ਪੀਵੀਆਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਗਲਾ ਕਿਸੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕੁਛ ਪੋਇਜ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਣਗੇ ਅਜੇ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਾਤ। ਸਰ ਕੋਈ ਆਪਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂਦਾ अजय जो मौके तो पता लग गया वो तो उहदे ते ही है उहदे हस्बैंड ने किया क्योंकि उहदा बेटा वड्डा 17 साल तो दस रहा है भी पापा ने मारिया उन्हें बाकी तफ्तीश जारी है जी अजय सर्च कर रहे हैं। गुरदेव नगर है 2986 नंबर को डिवीजन 5। अमृतसर जिले च कोरोना लाग की बीमारी चोटी ते पहुंच गई है। मंगलवार नूं जिले विच कोरोना नाल पीड़ित जिथे एक मरीज की मौत हो गई उत्थे ही 23 नवे पॉजिटिव मरीज सामने आए ने। जिले विच हुण कोरोना मरीजों की गिनती वध के 831 हो चुकी है। जानकारी के अनुसार जिले च लगातार कोरोना वायरस के मामले वधदे नजर आ रहे हैं जिन्हां विचों 544 मरीज ठीक होकर घरां नूं परत चुके हैं जबकि 255 मरीज अजे भी वख-वख हस्पतालों के विच इलाज अधीन ने जबकि 32 मरीजों की मौत हो चुकी है। पंजाब च कोरोना वायरस का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि पंजाब विच कोरोना वायरस के पीड़ित मरीजों की गिनती 4443 तो पार हो गई है। पंजाब च हुण तक सामने आए आंकड़ियां के मुताबिक अमृतसर 831, जलंधर च कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस 605, लुधियाना 623, तरनतारन 190, मोहाली 219, हुशियारपुर 165, पटियाला दे विच 236, संगरूर 221 केस, नवा शहर 125, गुरदासपुर दे विच 195 केस, मुक्तसर 84, मोगा 85, फरीदकोट 98, फिरोजपुर दे विच 77, फाजिलका दे विच 75, बठिंडा दे विच 79, पठानकोट 188, बरनाला दे विच 46, मानसा 42, फतेहगढ़ साहिब 100, कपूरथला 66, रोपड़ 94 मामले कोरोना वायरस के सामने आ चुके ने। इत्थे राहत की गल यह है कि सूबे भर विचों 3077 मरीज कोरोना नूं मात दे चुके ने जबकि कोरोना महामारी दे 1253 तो वध केस अजे भी एक्टिव ने। इस तो इलावा कोरोना वायरस नाल 109 लोगों की मौत हो चुकी है। रेलवे ने 14 अप्रैल तक बुक करवाईयां गई सारियां टिकटां रद्द करने का फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड के एक आदेश च कहा गया है कि नियमित समय सारणी ट्रेनों 14 अप्रैल या इस तो पहला बुक कराईयां गई सारियां टिकटां रद्द कीतियां जाणगियां। रेलवे ज़्यादातर 120 दिन पहला बुकिंग कराई जा सकती है। इस प्रकार 12 अगस्त तक दियां टिकटां रद्द कर दित्तियां जाणगियां। इस तो यह भी संकेत मिलता है कि 12 अगस्त तक आम रेल सेवा शुरू होने की उम्मीद नहीं है। रेलवे बोर्ड के सोमवार को जारी आदेश कहा गया कि जिन्होंने यात्रियों दी टिकटां रद्द होणगियां उन्हां नूं पूरा रिफंड दिता जाएगा। जिक्रयोग है कि आम संचालन बंद कर हुण 230 विशेष ट्रेनां चलाईयां जा रही ने। पंजाब च मानसून ने दस्तक दे दी है। अज मोहाली, अमृतसर ते जलंधर समेत कई शहरों च मोहलेधार मीह पिया। बुधवार सवेरे आसमान च छाए बदलों ते बूंदाबांदी तो बाद शुरू हुई तेज बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिता है। इस दे नाल ही चलियां ठंडियां हवावां नाल तापमान च जबरदस्त गिरावट आई। बारिश ने जिथे पिछले कई दिनों तो गर्मी की मार चल रहे लोगों को गर्मी तो राहत दी। लगातार धुप कारण वध तो वध तापमान 42 डिग्री पहुंचने नाल लोग घर अंदर रहने लिए मजबूर हो गए सन। बुधवार को हुई बारिश तो वध तापमान 11 डिग्री की गिरावट तो बाद 31 डिग्री सैल्सीयस रह गया। इसी तरह घट्टो घट्ट तापमान भी 24 डिग्री सैल्सीयस दस्सिया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुमान मुताबिक 25 जून को भी मौसम अजिया ही रहेगा। आज जो है उत्तर भारत का जो है ना काफी हिस्सा, जैसे हमारा जो जैसलमेर है और उसके बाद पाली, सवाई माधोपुर, देन आपका जो बाकी जो पंजाब हरियाणा जो है बिजनौर से लेकर के पठानकोट, आपका उत्तर पंजाब भी कवर किया है। लेकिन जो दक्षिण का जो मतलब मेजॉरिटी हिस्सा जो जैसे दिल्ली वगैरह बारिश तो शुरू हो चुका है, जैसे मानसून का फील है, क्लाउड है, सब कुछ फील है। लेकिन हमारा क्या है ना, सुबह 8:30 तक ऑब्जर्वेशन जो है उसमें रेन नहीं था, अमृतसर चंडीगढ़ नहीं था, बाद में शुरू हुआ। लेकिन ये तो मानसून रेन है, अमृतसर चंडीगढ़ दिल्ली वगैरह जो आज रेन हो रहा है। कल हम लोग इसको बिकॉज हम लोग पिछले 24 घंटा का देखते हैं क्या क्या वेदर विंड पूर्वया है कि नहीं, बहुत कुछ देखते हैं एक्चुअली, देन ओनली हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो मानसून का जो है बस रेन ऑलरेडी शुरू हो गया, कल खाली डिक्लेयर करेंगे कि कैपिटल में आया है, चंडीगढ़ में आया है, अमृतसर वगैरह आया हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहली बार डीजल की कीमत पेट्रोल की कीमत तो ज़्यादा हो गई है। डीजल दी कीमतों बुधवार को लगातार 18वें दिन तेजी आई है। दिल्ली बुधवार को पेट्रोल की कीमत 79.76 रुपए प्रति लीटर दे स्थिर रही, पर डीजल की कीमत 88 पैसे प्रति लीटर हो गई है। न्यूज़ एजेंसी ANI मुताबिक इस वादे नाल दिल्ली बुधवार को डीजल 79.88 रुपए प्रति लीटर ते विक रहा है। इस ग्राहकों लई हुण दिल्ली पेट्रोल तो महंगा डीजल हो गया है। देश कोरोना वायरस के मामले तेजी नाल वध रहे ने। बीते 24 घंटिया लगभग 16,000 नवे मामले सामने आए ने ते 465 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। वायरस नाल संक्रमित लोगों की गिनती वधन के नाल-नाल सेहतमंद होने वाले लोगों का ग्राफ भी तेजी नाल वध रहा है। हुण तक 2.58 लाख तो ज़्यादा लोग पूरी तरह के सेहतमंद हो चुके हैं। 5,000 तो ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है।